का धन्यवाद देना चाहूंगा इसके साथ कि उन्होंने मेरे इस संदर्भ में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में जो हम बात करेंगे आज उसमें आज प्रेजेंस होने के साथ के अंदर अपनी शिरकत होने के साथ, और मैं कोशिश करूंगा कि ये जो हमारा अगला एक घंटे का सेशन है वो बहुत ज्यादा सार्थक रहे और मीनिंगफुल रहे आपके लिए, कि आप उसको रिसर्च के अंदर आने वाले टाइम में उसको बेहतरीन तरीके से अपने अंदर उसको आप इस्तेमाल कर सकें और अपने रिसर्च जर्नल्स के अंदर जो भी आपकी आने वाले टाइम पे पब्लिकेशंस हैं उन सबको आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के जो पैरामीटर्स हैं उनको हम दूर करकर एक जेन्युइन डेटा बेस्ड एम्पिरिकल रिसर्च को बढ़ावा दे सकें, यही इस आज के हमारा जो सेशन है उसका हमारा एक मुद्दा रहेगा। तो आज अगर हम स्टार्ट करते हैं कॉन्फ्लिक्ट के साथ बात, तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वर्ड, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा वर्ड है, ये एक सेकंड मैं पीपीटी साथ में स्टार्ट करना चाहूंगा। जी, तो जो आज हमारा ये टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये कॉन्फ्लिक्ट कोई नई चीज नहीं है। जब से हम इंसान की उत्पत्ति हुई है, जब से हम स्टार्ट हुए हैं, तब से कॉन्फ्लिक्ट हमारे जिंदगी का एक अभिन्न अंग रहा है। आदि मानव समय से, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जितने भी हमारे युद्ध हुए, जितने भी हमारे वॉर्स हुए, बैटल्स हुई, आर्मीज का फॉर्मेशन, किलाबंदी करना, ये सब कॉन्फ्लिक्ट का ही एक प्रारूप है। इसी के रिजल्ट रहा कि हम लोगों ने आगे देश और देशों के साथ के अंदर हमारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज, इन सबको हमने क्रिएट किया। इन बाउंड्रीज के साथ के अंदर लोगों की आइडियोलॉजीज अलग थी, जिसको हम कहते हैं कि यूएस की आइडियोलॉजी अलग है या इसराइल की आइडियोलॉजी अलग है या पाकिस्तान की आइडियोलॉजी अलग है। ये एक देश से उत्पन्न होने के बावजूद भी इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते थे। कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने का एक रीजन और भी आगे था, जिसके अंदर हम लोगों ने रिलीजन को बीच में डाला कि हमारा धर्म के साथ के अंदर हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बढ़ेंगे। और इसी तरह का डायस्पोरा अगर हम डेमोग्राफिक रीजन में भी रहते हैं, जहां पर एज, इनकम, टीयर वन सिटीज, हमारे इनकम लेवल्स कैसे हैं, एजुकेशन कैसी है, सोशल बैकग्राउंड कैसे हैं, इन सबके साथ के अंदर इंडिविजुअल लेवल तक हम एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट रखते हैं। मेरी जो स्टेटमेंट है, शायद ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट का ही मुद्दा है कि रिलीजन के ऊपर देश कैसे अलग हो सकते हैं, क्या ये सही है या क्या ये गलत है। इसमें भी भिन्न भिन्न प्रकार की लोगों की सोच हो सकती है, आइडियोलॉजीज हो सकती हैं, पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, एंगल्स ऑफ थिंकिंग हो सकती हैं, और अपने अपनी लैंग्वेज के अंदर हम उसको किस डोमिनेटिंग फॉर्म के अंदर अपने आप को एंडोर्स करते हैं, कैसे अपने आप को अंडरलाइन करके हम दूसरे से अपने विचार बेहतर बताते हैं, वही एक कंफ्लिक्ट है। और उसी कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करना आगे रिसर्च में, उसको हम आने वाले लेक्चर के जो हमारे पार्ट्स होंगे उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। पहले हम समझ पा रहे हैं कि कंफ्लिक्ट है क्या। अब हम राज्यों तक पहुंच गए और राज्यों के बाद में इंडिविजुअल लेवल तक पहुंच गए। अब मेरी जो ओपिनियन है, अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल जो मैं पंचतंत्र से देखता आ रहा हूं और बचपन से, शायद चौथी क्लास से जो मुझे चीज याद है, वो है कि चार विद्वानों को एक हाथी के पास खड़ा कर दिया गया। अब उन विद्वानों के आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी गई, और पट्टी बांधने से क्या हुआ कि किसी ने उसके पैरों को हाथ लगाया तो बोला यार ये तो पिलर है, किसी ने ऊपर हाथ लगाया तो उसको छत नजर आई तो उसने पेट को बोला कि यार ये तो चार पिलर्स के साथ के अंदर एक छत भी है, किसी ने कान को हाथ लगाया बोला ये तो बहुत बड़ा पंखा है, किसी ने सूंड को हाथ लगाया, किसी ने उसके दांत को हाथ लगाया, किसी ने उसकी पूंछ को हाथ लगाया, और सबने उस हाथी के अलग अलग मायने निकाले अलग अलग एंगल से। लेकिन जो एडवांटेज है रिसर्च का वो इंडिविजुअल पैटर्न पे नहीं है, वो कलेक्टिव पैटर्न के ऊपर है। जब आप कोई भी रिसर्च स्टार्ट करते हो तो उसमें जब आप अलग अलग जगह से लिटरेचर रिव्यू करते हो तब आपको समझ में आती है कि इसके ऊपर बाकी लोगों ने कितना काम किया हुआ है, और इसको अब हमें हाथी के पैर और छत, ये तो हमें समझ आ गई है, लेकिन ये कंप्लीट रूप के अंदर एक हाथी है उस तक पहुंचना, ये हमारी विज्ञान का या ज्ञान का सार्थकता है। वहां पर हम तभी पहुंच पाएंगे जब हम अलग अलग मायनों से बनी हुई अलग अलग चीजों को इकट्ठा कर सही संदर्भ के अंदर, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही संदर्भ में उसको हम रखते हैं और उस संदर्भ के अंदर हम आगे बढ़ते हैं,
यस ये जो मेरा पहले काम हुआ था ये सही था, लेकिन आज के पर्सपेक्टिव में, आज के एनवायरमेंट्स में, आज की कंडीशंस के अंदर ये पहली वाली चीजें कितनी सार्थक हैं, ये एक अलग से रिसर्च का टॉपिक बन जाता है। कंफ्लिक्ट की हम बात जो कर रहे हैं ये अलग अलग एंगल से आया, हमने देखा, और उस एंगल को गलत नहीं है। जो आदमी उसको हाथी के पैरों को हाथ लगा रहा है वो शायद गलत नहीं है कि सर ये तो मुझे पिलर की तरह नजर आ रहा है, ये तो एक पोल है, वो गलत नहीं है, लेकिन उसकी सोच छोटी है, हमने उसकी सोच को सार्थक बनाना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात आई मेरे पढ़ाने में या बताने में एग्जांपल्स की, तो अगर हम बात करते हैं कंफ्लिक्ट की, तो कंफ्लिक्ट के साथ के अंदर एक बड़ा वर्ड आता है कि एक बच्चा है और वो भूखा है, से 5-7 साल का या 10 साल का बच्चा है और वो भूखा है और वो दुकान पे से एक ब्रेड चुरा लेता है। अब ये ब्रेड का चुराना क्या सही है या क्या गलत है, ये इन सब में अलग अलग मायने हर आप जैसे विद्वानों के साथ या बच्चों के साथ या एकेडमी ऑफ फ्रेटरनिटी के साथ सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं कि उस बच्चे ने ये काम इलीगल किया या अनएथिकल किया, ये चीजें अलग अलग हैं। उसको पैसे देकर समझाना चाहिए था, उसकी पिटाई नहीं होनी चाहिए थी, या उसको कैसे कानून के हाथ में नहीं करना चाहिए था, हर आदमी की अलग अलग सोच है। पर क्या वो ब्रेड चुराना सही था या बच्चे ने जो किया वो उस हालातों में सही था या गलत था, ये सिचुएशन डिपेंड। तो इसके ऊपर भी अलग अलग सोच है कि किसी ने इसको सही बताया, किसी ने कुछ सही बताया, किसी ने उसको कुछ गलत बताया और किसी ने बिल्कुल गलत बताया। अब इंडिविजुअल्स के साथ नेक्स्ट लेवल आता है जब हम किसी कंपनी की फॉर्मेशन करते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन की फॉलो करते हैं। आप किसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, अब आपने जैसे मैं पहले FDDI से जुड़ा हुआ था, फिर मैं चितकारा यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा, अब मैं चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा हुआ। तो इस यूनिवर्सिटी में जुड़ने के साथ में क्या है कि इसमें मेरी इंडिविजुअल ओपिनियन है, मुझे लगता है कि जिस पद पे मैं बैठा हूं उसको गरिमामयी करने के लिए मुझे सार्थक डिसीजन लेने हैं। लेकिन मेरी सोच, फिर से जैसे हमने कहा कि क्योंकि सोच इंडिविजुअल डिपेंडेंट होती है, इसी से एलिमेंट होता है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट, जिसको हम कहते हैं बायस, BIAS बायस। मेरे नजरिए में जो चीज उचित है, मैं ये मानता हूं कि वो सोच सबके ऊपर एप्लीकेबल है, जो मेरी सोच है वो सब लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है, यानी जैसा मैं सोचता हूं वैसा ही बाकी लोगों को भी सोचना चाहिए। ऐसा एक रिसर्चर का विश्वास हो सकता है। और मैंने जितना कुछ टाइम में जो रिसर्च के ऊपर मैंने फोकस किया और जो मैंने समझा, उसके अंदर मुझे ये एलिमेंट ऑफ बायस बहुत ज्यादा नजर आया कि ऑथर या रिसर्चर जो फील करता है, टिपिकली रिजल्ट्स उसी के कंक्लूजन के अंदर निकलने की टेंडेंसीज रहती हैं, रिसर्च टूल्स भी उसी तरह से इस्तेमाल करता है जो उसको एनेबलर सर्व हो, यानी उसको हेल्प करे आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स को लाने के लिए। स्टार्ट करते हैं, हमने बेस बनाया अभी तक बात का, और अब हम अगले बात पे स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। जो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये एक सिचुएशन है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल या उसकी कंपनी इन्वॉल्व हो जाती है मल्टीपल इंटरेस्ट, यानी अलग अलग लोगों के एजेंडाज हो सकते हैं, और उसके साथ के अंदर फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो सकते हैं, और किस एस्पेक्ट के ऊपर कौन सा इंटरेस्ट किसके ऊपर भारी पड़ रहा है, इसकी वजह से कंफ्लिक्ट आए। मैं ऐसा सोच सकता हूं कि मुझे बेटर से बेटर अपनी कंपनी में मैन पावर चाहिए, या रिसर्च के लिए आज ऑनलाइन सिचुएशंस के अंदर मुझे बहुत सारे रिसर्च बेस्ड टूल्स चाहिए। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ पर बहुत सारा फास्ट इंटरनेट होना चाहिए और ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ बात करने में दिक्कत नहीं आए, ऐसा मैं सोच सकता हूँ। लेकिन इसका कॉस्ट इंप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। तो मैनेजमेंट हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन ये कहे कि नहीं सर, आपका आइडिया तो ठीक है, लेकिन आज के हालातों में क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो हो सकता है कि हम आपके डिसीजन को डेफर कर दें। नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, डेफर कर रहे हैं कि जब तक हमारे पास खरीदने के पैसे नहीं होंगे तब तक हम आपका डिसीजन नहीं मान सकते। हम ये मानते हैं कि आपका डिसीजन हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन
आज के लिए हमारे पास देने के लिए उसको पैसा नहीं है, तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो सकते हैं इसके साथ के अंदर, तो कंफ्लिक्ट आ गया। मुझे लगता है कि मुझे अपना काम सार्थक रूप से या प्रारूप देने के लिए मुझे उस इंटरनेट फैसिलिटी की जरूरत बहुत ज्यादा है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के पास उतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है जिनकी वजह से दिक्कत आएगी। अब आप क्या फील करेंगे? आप फील करेंगे डिस्ट्रेस में। आपके दिमाग में पहला डिसीजन ये आएगा कि मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूं लेकिन ऑर्गेनाइजेशन मुझे ये करने के लिए सपोर्ट नहीं कर रही है। अब इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दोनों अपनी जगह सही है। ऑर्गेनाइजेशन ये बिल्कुल नहीं कह रही है कि हमें इंटरनेट रिसोर्सेज नहीं चाहिए, वो कह रहे हैं हमें चाहिए लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। इंडिविजुअल कह रहा है कि सर मेरे को पैसा तो सैलरी मुझे टाइम से मिलनी चाहिए लेकिन साथ में इंटरनेट के रिसोर्सेज भी मिलने चाहिए, तो वो भी अपनी जगह सही है। यहां पर हमें समझने के लिए क्या जरूरी है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो एक कंपनी है। अब कंपनी क्या है इस बात को भी समझ सकते हैं हम बातचीत में कि व्हाट इज अ कंपनी। यू एंड मी आर ए कंपनी। आज हम आपस में चाहे हम फिजिकल डिस्टेंस से अपार्ट हैं लेकिन आज हम एक दूसरे से दूर हैं। दूर होने के बावजूद भी हम आपके विचारों को आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं। इसका मतलब हम दोनों एक कंपनी की फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी आप और मैं मिलकर एक कॉमन ऑब्जेक्टिव पे काम कर रहे हैं, तो वो हमारी कंपनी है। यहां पर जो इंडिविजुअल ने सोचा कि मुझे इंटरनेट रिसोर्सेज चाहिए, उसने अपने आप, उसकी गलती है, उसने अपने आप को कंपनी से अलग देखा। कंपनी से अलग नहीं होना चाहिए, वो कंपनी का पार्ट है। जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं वो होते हुए भी अगर ये नहीं खरीदा जाता तो कमी थी, तो कॉन्फ्लिक्ट आता, लेकिन यहाँ पर अंडरस्टैंडेबल डिफरेंसेज हैं, इनको रिजॉल्व करना ज्यादा जरूरी था। ओके, अपकमिंग नेक्स्ट, हमने इंटरेस्ट की बात करी, रिसोर्सेज की बात करी और यहां से हमारे बीच में कंफ्लिक्ट क्रिएट हुआ जिसको हमने COI। नाउ टिपिकली दिस रिलेट्स टू सिचुएशन जहां पर पर्सनल इंटरेस्ट इंडिविजुअल का आपको अपनी ड्यूटी को पूरा करने में सपोर्ट नहीं कर रहा और हो सकता है कि इससे किसी तीसरे आदमी को बेनिफिट हो। इसके बारे में हम, बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये, इसको हम आने वाले स्लाइड्स में पूरा करेंगे। जब दो इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट जो हैं, यानी जो उनके सोच या उनकी जो प्रायोरिटीज या जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जब वो एक दूसरे से डिफर करने लगते हैं तो वहां पर कंफ्लिक्ट आता है। कंफ्लिक्ट ये वही है जो हम इनिशियली ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जैसे सब्जेक्ट्स में या ह्यूमन साइकोलॉजी से सब्जेक्ट के अंदर जो हम कंफ्लिक्ट समझते आ रहे हैं, ये वही कंफ्लिक्ट है। और ये दो लोगों के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट हुआ, इसकी वजह से दो इंडिविजुअल्स के बीच में, दो डिपार्टमेंट्स के बीच में, दो टीम्स के बीच में, इधर दो इंस्टीट्यूशंस के बीच में भी क्रिएट हो सकता है। अब कंफ्लिक्ट एक सिचुएशन के अंदर भी हो सकता है कि वैसे तो हमारे और आपके बीच में कंफ्लिक्ट नहीं है लेकिन अगर इस सिचुएशन के अंदर हमारे बीच में कंफ्लिक्ट क्रिएट हो गया, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कंफ्लिक्ट टाइम कंज्यूमिंग है, रिसोर्स कंज्यूमिंग है और इसके साथ के अंदर आपको डिसीजन मेकिंग को रोकने के लिए काफी है। ये तो इसके नेगेटिव हैं, लेकिन इसका एक पॉजिटिव है। जैसे हम अपनी गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट के अंदर हमारे पास एक रूलिंग पार्टी होती है और दूसरी पार्टी हम कहते हैं, तो हम कहते हैं ओपोजिशन पार्टी। तो ओपोजिशन पार्टी का काम, चाहे वो रूलिंग गवर्नमेंट नहीं है, चाहे वो सरकार नहीं बना रही है, लेकिन सरकार के कार्यकलापों को इवेल्युएट करना, उसके बारे में अपने ओपिनियन या उसकी नेगेटिव्स को उजागर करना, ये ओपोजिशन का बहुत सशक्त काम है। तो जब भी ये बात कही जाती है कहीं पर कि हम एक ओपोजिशन को खत्म कर देंगे, तो नहीं, ओपोजिशन खत्म नहीं होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक फॉर्म का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ओपोजिशन। तो यहां पर जो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो नेगेटिव्स उजागर करता है कि किन किन चीजों के ऊपर हम सावधानी बरतें, सो दैट आने वाले टाइम में वो सावधानियां हमारे आने वाले कामों को रुकावट पेश ना कर पाए। सो दिस इज नॉट टिपिकली बैड। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के एडवांटेजेस भी हैं। नाउ अगर हम इसकी कंपटीशन की बात करें, तो जब भी हमारे पास कंफ्लिक्ट, हम देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब
मनी मेकिंग इज टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. अब इसके अंदर एक दूसरे के बीच के अंदर कॉम्पिटिशन क्रिएट होती. नाउ जब हम प्लानिंग कर रहे हैं किसी चीज को प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, वहां पर हमारे पास रिसर्च बेस बनाना, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम के अंदर रिसर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है. और इसके साथ के अंदर हमारी जो इन्वेस्टिगेटर है यानी जो रिसर्चर है उसके पास ये ऑब्जेक्टिव है समझने का कि वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना करे. सो अगर हम बात करें कि अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, और डॉक्टर के आपकी प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है लेकिन वो आपको गिनी पिग की तरह ट्रीट करता है कि चलो आपके ऊपर एक मेडिसिन ट्राई करके देखते हैं, असर कर गई तो ठीक है, नहीं असर करेगी तो कोई बात नहीं. तो ये जो सिनेरियो है जहां पर आपका इलाज ना करके डॉक्टर आपके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा है, चाहे वो रिसर्च बेस्ड ही है लेकिन वैसा किसी ने पहले नहीं किया है, तो अगर ऐसा किया जाता है तो क्या ये कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? बिल्कुल है. डॉक्टर्स के पेशे में वो आपको कंज्यूमर ओरिएंटेडनेस नहीं दिखा रहा है, और आप उसके पास पेशेंट हैं, आप उसको पेमेंट दे रहे हैं, आप उसके पास एक फेथ के साथ जा रहे हैं. लेकिन अगर आपके ऊपर वो हिट एंड ट्रायल मेथड के साथ कोई दवाई अगर आपके ऊपर ट्राई करता है, जैसे अभी हमने कोविड सिनेरियो के अंदर बहुत बार देखा ये चीज कि किसी ने बताया कि एवेस्टिन जो टैबलेट्स हैं वो शायद असर कर देती हैं, शुरू में किसी ने बताया कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन असर कर देती है, उसके बाद जो नई नई मेडिसिन थी जो कई कई हजार में बिक रही थी, बाद में WHO ने उसको भी कह दिया कि यस ये भी कारगर सिद्ध नहीं हुई है कोविड के इलाज में. सो एज ए रिसर्चर हमें समझ में क्या आया कि ये सब कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. यानी जो रिसर्च बेस्ड मेडिकल टर्मिनोलॉजीज थी या मेथडोलॉजी थी दवाइयों को टेस्ट करना और उसके बाद ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करना, ट्रायल 1, ट्रायल 2, ट्रायल 3 के बाद ऐसी मेडिसिन्स को सिंस देयर वाज नो सॉल्यूशन लोगों ने तुक्के के साथ दवाइयां शुरू करी. किसी हालातों में अगर किसी को कुछ बेनिफिट हुआ तो लोगों ने उसी को एक लाइन ऑफ एक्शन बना दिया. सो देयर वाज अ रिसर्च गैप. सो दिस इज वेरी मच विजिबल नाउडेज. जैसे ही हम लोग रिसर्च में देखते हैं तो हमको नजर आती है कि ये सब चीजें जो हमने पास्ट के अंदर होती हुई देखी रिसर्च में, ये सारी चीजें गलत थी. सिचुएशन अगर कोई भी इलाज नहीं दिख रहा है तो एक यही ऑप्शन लगाना है जिसमें हमें पेशेंट्स को बचाना है, तो हम ऐसी कोशिश कर सकते हैं. नाउ शायद मुझे मालूम नहीं है कि आप में से कितनों को शायद कोविड में, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने कईयों को तो सेल्फ डॉक्टर बना ही दिया है. तो स्टेरॉयड जो है जो डॉक्टर्स ने दिए हैं कोविड पेशेंट्स को, अगर हम मेडिकल टर्म्स में बात करते हैं तो स्टेरॉयड्स को डॉक्टर बोलते हैं कि दिस इज द लास्ट लाइन ऑफ मेडिकेशन. यानी जब इंसान के पास डॉक्टर के पास कोई और चारा नहीं बचता है तो स्टेरॉयड्स का इस्तेमाल बॉडी में किया जाता है. यानी हर स्टेरॉयड के अंदर अमाउंट ऑफ साइड इफेक्ट्स ज्यादा हैं. साइड इफेक्ट्स ज्यादा हैं यानी कोई भी स्टेरॉयड अगर आप बॉडी में लेते हैं तो मैं उसको टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो बॉडी आपके अंदर कुछ ना कुछ बैड इंपैक्ट देना लाजमी है. इसीलिए और डॉक्टर कहते हैं कि जब कोई चारा नहीं बचेगा तब हम स्टेरॉयड्स का इस्तेमाल करेंगे. और हमने ये देखा कि कोविड जैसे सिनेरियोज में जब हमारे पास मेडिसिन के बारे में कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं पता था तब रिसर्च बेस्ड स्टेरॉयड्स को इम्प्लीमेंट किया गया और काफी हद तक हमें कामयाबी भी मिली. लेकिन उस कामयाबी का रिजल्ट क्या हुआ कि करीब 6 महीने के बाद या 8 महीने के बाद हमने क्या देखा कि जिन पेशेंट्स को स्टेरॉयड्स दिए गए उन पेशेंट्स के अंदर ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ने लगे. सो आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक यू ए डॉक्टर. मैं आपको डॉक्टर ना तो मैं मेडिकल लाइन्स का खुद डॉक्टर हूं और ना ही आपको बनाना चाहता हूं, लेकिन एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के अंदर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को हाईलाइट करने के लिए मुझे ये एग्जांपल बहुत ज्यादा रेलेवेंट लगा, जहां पर डॉक्टर्स को लॉस ऑफ उसको रास्ता नहीं दिखाई दिया. सो थॉट प्रोसेस नहीं था डॉक्टर के पास, तो सभी ने इंस्टीट्यूशन ने ये कोशिश करी कि चलो स्टेरॉइड्स को यहां पर लगाते हैं. डेक्सामिथाजोन को लगाया गया, वेट के मुताबिक 4 मिलीग्राम या 3 मिलीग्राम ट्वाइस ए डे देने का काम उन्होंने शुरू किया. उसका एडवांटेज क्या हुआ कि पेशेंट कोविड से तो बाहर निकल आया लेकिन उसके जो अदर केसेस थे जिसके अंदर हम लोगों ने
ब्लैक फंगस को अभी हमने एडवांटेज के अंदर आते हुए देखा, उसको एडवांटेज मिला दूसरी बीमारी को। एक वायरल के अगेंस्ट एक्शन लेने में एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एक फंगल इन्फेक्शन आपके अंदर और ज्यादा क्रिएट हो गई। सो ह्यूमन बींग्स को ट्रायल मेथड के ऊपर डालना अगेन कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि क्या ये करना सही है या क्या ये करना गलत है। लोगों के परिपेक्ष अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यहां पर हमने कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अंडरस्टैंड किया है। इस स्लाइड को हम थोड़ा सा बाद में समझ में आते हैं, तब तक हम नेक्स्ट लाइन के ऊपर चलते हैं एक बार। एलिमेंट ऑफ बायस, जब एक सिचुएशन है ये जिसके अंदर जो हम रिसर्चर की एकेडमिक एक्टिविटी है उसके अंदर रोल ऑफ इंटीग्रिटी, हमारी एथिक्स, हमारी वैल्यूज, हमारा एक थॉट प्रोसेस कि हम क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, इसको हाईलाइट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो हियर इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग ए कैरेक्टर इन योर लाइफ। हम लोग अपने आप को फ्लेक्सिबल कहते हैं कि हर सिचुएशन में हम अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं इंसान के अंदर वो वैल्यू ऑफ कैरेक्टर जरूर होना चाहिए। दिस इज सेट ऑफ इम्बाइब्ड वैल्यूज। हमारे स्ट्रक्चर में हमारे पास वैल्यूज कहाँ से आती हैं? तीन जगह से आती हैं। हमारी वैल्यू स्ट्रक्चर सबसे पहले आती है हमारे पेरेंट्स से, दूसरा आता है हमारा टीचर से, और तीसरा आता है हमारी सोसाइटी से। तो तीन जगह से हमें वैल्यूज मिलती हैं। तो किस तरह के लोगों के साथ हम रहते हैं, कैसा हम सोचते हैं, व्हाट इज परसीव्ड टू बी करेक्ट, व्हाट इज परसीव्ड टू बी कॉम्प्रोमाइजेबल, दिस इज अगेन एन बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। रिसर्च के अंदर इंटीग्रिटी क्या है, कि मुझे सही जवाब को लेके आना है, सोचना है, या मुझे सिर्फ डिराइव करने हैं नंबर्स। सो दिस इज अगेन अनदर पार्ट विच इज नोन एज परसेप्शन, जहां पर हम रिजल्ट्स को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं टू फेवर समबडी और टू हार्म समबडी। ए कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अकर्स व्हेन ए सेकेंडरी इंटरेस्ट चेंजेस, मॉडिफाइज, इंपैक्ट्स जो प्राइमरी इंटरेस्ट। अब इसके बारे में प्राइमरी और सेकेंडरी इंटरेस्ट हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पढ़ेंगे। एक जो प्रोफेशनल है उसकी जो सोच है वो जरूरी नहीं है कि वो बायस हो, और ऐसा लगता है ऑब्जर्वर को या उसके डिसाइपल को या उसके सबॉर्डिनेट को ऑर्गेनाइजेशन की, सर मेरा बॉस जो कर रहा है वो कॉन्फ्लिक्ट है, बट वो वैल्यू ड्रिवन हो सकता है। सो देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ लीवरेज एडवांटेज विच हैज टू बी गिवन टू द सुपीरियर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट एंड व्हाट इज इनकरेक्ट। अभी हमने बात करी प्राइमरी इंटरेस्ट और सेकेंडरी इंटरेस्ट की, इसको हम पहले क्लियर करते हैं। सो प्राइमरी इंटरेस्ट जो हो सकता है वो है मेरा प्रोफेशनलिज्म, दैट आई एम ए प्रोफेशनल एंड आई रिक्वायर टू एनश्योर दैट वट एवर आई डू, वट एवर आई स्पीक, वट एवर आई राइट, वट एवर आई यू नो गाइड माई सबॉर्डिनेट्स टू वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स, दिस बिकम्स ए प्राइमरी इंटरेस्ट। नाउ फॉर रिसर्चर्स इट इज ए जर्नलाइज्ड पूल ऑफ नॉलेज, कि मुझे क्या क्या करना है और किस परिपेक्ष में, किस बाउंड्रीज में, किस फ्रेमवर्क में मुझे काम करना है। इसी के अंदर मुझे अपने सेफ्टी और रिसर्च स्टैंडर्ड्स को भी समझना है कि व्हाट इज द लेवल ऑफ रिसर्च सब्जेक्ट आई एम इनटू, व्हाट इज द काइंड ऑफ सेफ्टी मेजर्स आई रिक्वायर टू टेक सो दैट देयर इज नो बायस। टिपिकली हम बात करते हैं कि हमारा जो सैंपल साइज है रिसर्च का वो अराउंड 100 हेड्स हैं। तो जैसे ही आप 100 इंडिविजुअल्स या 100 फॉर्म्स आप अपने लेकर अपने गाइड के पास जाते हैं, तो वो आपको कहता है सर यार 100 इज ए स्मॉल डेटाबेस, व्हाई डोंट यू एक्सपेंड द होराइजन ऑफ योर रिसर्च। सो एक टिपिकली आपको सजेस्ट किया जाता है कि अगर आप 300-350 का डेटाबेस बना रहे हैं, दिस इज द लीस्ट एक्सेप्टेबल फॉर्म जहां पर आपने बायस को, रीजनल डायस्पोरा को, डेमोग्राफिक डिफरेंसेस को किल करने की कोशिश करी है। हो सकता है कि हमने सारे एज ही, एक ही एज ग्रुप के, एक ही सोशल बैकग्राउंड के लोगों को, एक ही कॉलेज से डेटा हमने उठा लिया और उनसे हमने फॉर्म्स भरवा लिए। सो देयर सर्टेनली विल बी एन एलिमेंट ऑफ बायस, रिसर्च इनकरेक्ट आएगा। बट ऑन द अदर हैंड साइड जो रिसर्च के रिजल्ट्स हैं हम छुपा के रखते हैं अपने पास, बताते नहीं है ना, बिकॉज ऑफ दैट
जब हम अपने रिसर्च को वाइड पब्लिसिटी देंगे तो लोग हमारे को रिसर्च में कमियां भी बताने के लिए उजागर करेंगे, और इसको कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट के साथ, एक एडवांटेजियस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ाना, इस सोच को रीजनल लेवल से नेशनल लेवल तक पहुंचाना, नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाना, दिस इज द सोल लोन क्राइटेरिया फॉर ए रिसर्चर, जिसके अंदर एलिमेंट ऑफ बायस, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लीस्ट नहीं तो मिनिमाइजेबल, कम से कम हो। अगर हम सेकेंडरी इंटरेस्ट की बात करते हैं, सो देयर विल बी, जो हमने पहली बात करी दैट वॉज रिलेटेड टू द प्रोफेशन, दैट वॉज रिलेटेड टू द कंपनी, लेकिन दूसरे के अंदर हमारे जो प्रोफेशनल गोल्स हैं, हम यहां पर बात कर रहे हैं पब्लिशिंग की, कि हम उसको पब्लिश कहां पर करवा रहे हैं, वेदर इट इज ए पीयर रिव्यूड, वेदर इट इज आपने उसको किस साइटेशन रैंकिंग्स में डाला है, कितनी जगह के ऊपर उसका वो पब्लिशिंग कराने का उसका इंपैक्ट फैक्टर कितना है, सो दिस ऑल पर्टेन्स टू द पब्लिशिंग क्राइटेरिया। मोर इंपॉर्टेंटली यहां पर एक एलिमेंट आता है जिसको मैंने अभी तक इस रिसर्च का विषय नहीं बनाया, बिकॉज मैंने देखा कि आपका जो पूरा एजेंडा बना हुआ है इस एफडीपी का, उसके अंदर प्लेजरिज्म को अलग से रखा गया है। सो प्लेजरिज्म अगेन बिकम्स एन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी मेंशन, जिसमें सेकेंडरी इंटरेस्ट के अंदर प्रोफेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लेजराइज कंटेंट को अपनी रिसर्च का एक नोटवर्दी पॉइंट के साथ उसको इंक्लूड करते हैं अपनी रिसर्च के अंदर। ये गलत नहीं है, लेकिन किसी हद तक उसको एक डिफाइन किया गया है यूजीसी पैरामीटर्स में, कि जब तक आप उसको कोट करके इन्वर्टेड कॉमास में डाल रहे हैं बाय दैट टाइम इट इज एक्सेप्टेबल, लेकिन उस कंटेंट को उठाकर अपनी लैंग्वेज के अंदर आपने उसको रेप्लीकेट किया, दैट इज कंसिडर्ड एथिकली रॉन्ग। सो पब्लिशिंग के अंदर ये स्टैंडर्ड्स हैं। नाउ ऑब्टेनिंग फ्यूचर रिसर्च फंडिंग, कि जो आपने रिसर्च किया, जो प्रपोजल बनाया, उसके बेसिस पे आपको जो फंडिंग चाहिए, उस फंडिंग के अंदर अगर आप गलत तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, कैपेबिलिटीज को एनलार्ज करके दिखाने की कोशिश करते हैं, इन दैट केसेस व्हाट विल हैपन, योर ऑडियंस विल गेट इम्पैक्टेड एंड योर रिसर्च, यू मे गेट रिसर्च फंडिंग, बट एक बात को हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। If somehow by using unscrupulous means, कुछ गलत मायनों लगाने के बाद अगर आपने एक बार रिसर्च फंडिंग ले ली, consider the world to be small, एक बार नाम अगर आपका खराब हो जाता है कि आपने गलत तरीकों से रिसर्च की फंडिंग ली है, और आपने जो रिसर्च के रिजल्ट दिखाए हैं that is not critically acclaimed और उसके अंदर validity उसकी proven नहीं है, तो आप हो सकता है कि एक बार आप रिसर्च समहाउ और दी अदर आप अपने फंडिंग्स को जस्टिफाई कर दें, लेकिन आपको आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में क्वालिटेटिवली, इंक्रीजिंगली क्वालिटेटिवली रिसर्च के अपॉर्चुनिटीज मिलते रहेंगे, इसका डाउट रहेगा ना। कई बार हम किसी और का प्लेजराइज कंटेंट किसी बड़ी जर्नल के अंदर पब्लिश करने की कोशिश करते हैं। Now this may give me an instant recognition. मुझे कम वक्त में ज्यादा recognition, endorsements, citations मिल जाए, fame मिल जाए, लोग मेरे काम को recognize करें, but this is secondary interest in nature. Primary interest is by the time anything which I am doing is beneficial to my institution. जो मेरी university है, मेरी जो organization है, मेरा जो जहां पर मैं काम कर रहा हूँ, वहां पर उनको उस काम का एडवांटेज मिले, मॉनेटरी गेन्स मिले, उनको हम रिकग्निशन ज्यादा मानेंगे रेदर देन पर्सनल और इंडिविजुअल अटेंशन। जब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं तो एक बड़ा इंटरेस्ट क्रिएट होके आता है हमारे सामने, जिसको हम बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, कि आप रिसर्च में ऑब्जेक्टिव्स को ड्राइव करने में कम वक्त में ज्यादा रिजल्ट्स यील्ड आउट करने के लिए आपको कई बार ऐसा लगता है कि मैं और ज्यादा टाइम रिसर्च को दूं। आज जैसे आप सैटरडे संडे को भी सवेरे करीब घड़ी में टाइम अगर मैं देखूं तो 10:35 पे भी अगर हम इस जगह पर काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे वर्क लाइफ बैलेंस में हमारे पर्सनल गोल्स कब्जा करना शुरू कर देते हैं। जो टाइम आपके फैमिली के लिए
अटैच था उस टाइम को आपने एडिशनल गेन्स, एकेडमिक गेन्स, प्रोफेशनल गेन्स को लगाने के लिए वक्त आपने वहां पर व्यतीत किया. सो दिस वॉज ए कॉम्प्रोमाइज, ए बैलेंसिंग पार्ट विच यू हैव डन इन मैनेजिंग योर वर्क लाइफ बैलेंस. एक बात को याद रखिएगा, लाइफ भी आपकी है और वर्क भी आपका है. इसके बीच में बैलेंस करने का जो दायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट सोली एंड लोनली, अकेली और आप ही की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस वर्क लाइफ बैलेंस को एस्टैब्लिश करें. आपको लगता है कि कोई और बाहर से आएगा और आपके वर्क लाइफ बैलेंस को सुधार के जाएगा, तो शायद ये एक बहुत बड़ी मिथ्या है, बहुत बड़ा कंफ्लिक्ट है आपके दिमाग के अंदर, जो जितना जल्दी दूर हो जाए वो बेहतर है. वी आरसेल्व्स आर गवर्नर्स ऑफ आर ओन लाइफ. तो वर्क लाइफ बैलेंस के बीच में स्ट्राइक करना हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो जितना टाइम हम असाइंड टाइम अपने प्रोफेशन को देते हैं, शायद उतना ही टाइम हमें अपनी फैमिली के साथ भी व्यतीत करना चाहिए. ऑर्गेनाइजेशंस में जब तक हम रहे तब तक हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशंस इस बात को महत्व देती रही कि हमारा जो ज्यादा से ज्यादा टाइम है वो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ गुजरे. सो दैट मोर आई स्पेंड माई टाइम द मोर प्रोडक्टिव आई विल बी. बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, एक अच्छा प्रोफेशनल वही होता है जो अपने गिवन असाइंड टाइम में, से 9 to 5 अगर उसकी वर्किंग है तो 9 से 5 के बीच के अंदर वो अपने रिजल्ट्स को पूरा करे. सो दैट इज व्हाट इज नोन एज एफिशिएंसी एंड एफेक्टिवनेस. यानी जितना पैसा मुझे दिया गया उतना पैसा उतने ही वक्त में मैंने काम किया, सो आई एम एफिशिएंट, और जो मैंने काम किया उसने रिजल्ट्स भी डिराइव करे, सो दैट बिकम्स एफेक्टिव. इसके साथ के अंदर मैं एक अच्छी इनकम जनरेट करूँ, उसके साथ के अंदर मेरे जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं, चाहे वो ट्रेवलिंग हो, हॉबीज को पूरा करना हो, सोशलाइजिंग हो, रिलीजियस एक्टिविटीज को पूरा करना हो, ये सारे मेरे पर्सनल गोल्स हो सकते हैं. पॉलिटिकल एक्टिविज्म कैन अगेन बिकम अनदर रोल, जहां पर मैं अपना कुछ टाइम देश की सेवा में, पॉलिटिकल ओपिनियंस को क्रिएट करने में, अपनी आइडियोलॉजीज को डेवलप करने में लगा सकता हूँ. सो दीज आर ऑल माई सेकेंडरी इंटरेस्ट. लेकिन साथ में जो मेरे प्राइमरी इंटरेस्ट हैं वो सिर्फ रिसर्च बेस्ड होने चाहिए और मिशन की तरफ ड्राइविंग होने चाहिए. आई कम बैक टू माई इनिशियल स्लाइड फ्रॉम वेयर आई जनरेटेड दिस. Yes. So when I am talking about conflict of interest, there is an increased involvement of the academician in the research line, and it has become the probability of increased potential, increased conflict of interest. आसान भाषा में इसको अगर हम समझाएं तो एक अनपढ़ या कम पढ़े लिखे आदमी को समझाना एक टीचर के लिए आसान है, एक एकेडमिशियन के लिए आसान है, एक प्रोफेशनल के लिए आसान है. लेकिन एक रिसर्चर को दूसरे रिसर्चर को समझाना, यानी जो एक रिसर्चर है वो दूसरे को समझा सके, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी कम है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्रीज्ड कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज अंडरलाइंड हियर. नाउ ये कैसे आता है, ये दो लोगों के बीच के अंदर कंफ्लिक्ट जो क्रिएट होता है ये कैसे होता है? हारना कोई नहीं चाहता है. दिस इज आइडियोलॉजी. ये हमारे जो माइंडसेट्स हैं उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी दूसरे की बात मान जाता हूं, टू पीपल हु आर एट पार, वो एक ही डेजिग्नेशन के ऊपर दो लोग अगर बैठे हुए हैं, वो एक दूसरे को अगर ये बात को समझाने की कोशिश जब भी करेंगे, उनको लगता है कि अगर मैं दूसरे की बात को मान जाता हूं तो मानने का रीजन है आउट ऑफ रिस्पेक्ट और या आउट ऑफ कन्विक्शन, यानी आपके बात से मैं सहमत हो गया हूं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैंने रिसीव कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया. या दूसरी बात है कि पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्योंकि आप बड़े हैं इसलिए आपकी बात को मैं मान लेता हूं. बट अगर हम एट पार, यानी दो रिसर्चर्स अगर हम आपस में बात कर रहे हैं, ऐसे सिनेरियो के अंदर अगर मुझे लगता है कि यस, if you are doing your PhD or you are a professional from XYZ university, then I'm also from India, from ABC university, तो हम दोनों at par हैं, तो मैं आपकी बात को क्यों मानूं? So this is lameness. ये दिमाग की छोटी सोच का नजरिया है, but human tendency.
हम ह्यूमंस में चीज को बहुत बार देखा गया. सो दैट बिकम्स अनदर इंक्रीज रेट, जिसका आंसर ये है आई कैन बट वाई आई शुड. मैं कर तो सकता हूं आपकी बात को एक्सेप्ट, लेकिन मैं क्यों करूं. सो इट हैज टू बी बैलेंस्ड. अगर सामने वाला कहता है ठीक है मैं आपकी एक बात को मानता हूं, आपने जो प्रपोज किया रिसर्च का पॉइंट या जो आपने कंक्लूजन बताया है रिसर्च का वो मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूं, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी आपको भी मेरे रिसर्च के कंक्लूजन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. सो अगर इस तरह की सिचुएशन अगर जनरेट होती है, व्हाट इज दिस? ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. व्हाट इज दिस? दिस इज एन एलिमेंट ऑफ बायस. व्हाट इज दिस? दिस इज एन इनकरेक्ट रिसर्च यील्डिंग नॉन डायरेक्शनल रिजल्ट. ये रिजल्ट हमको किसी ठीक जगह के ऊपर नहीं पहुंचाएगा, रेदर आने वाली जो रिसर्च जनरेशन के जो लोग हैं वो इस कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से मिसडायरेक्टेड हो जाएंगे कि यार अगर एक एक्सवाईजी यूनिवर्सिटी की वजह से ये रिजल्ट अगर निकला हुआ है तो उसी को पैरामीटर मानकर, उसी को फर्दर लाइन ऑफ रिसर्च का इनपुट मानकर उसके ऊपर फर्दर रिसर्च करना शुरू कर देंगे. सो व्हाट विल दिस हैपन? एक रिसर्च पूरी पूरी रॉन्ग डायरेक्शन पे चली जाएगी. एंडेवर्स, एफर्ट्स, मनी, रिसोर्सेज और रीडर्स टाइम, जो पढ़ेगा उस रिसर्च को उसका वक्त भी सब क्या हुआ, खराब हो गया. ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट? ए सिंगल रीजन, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और बायसनेस. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, जब हम किसी रिसर्च के अंदर बायसनेस आता है, वो बायसनेस एक हमने ऑब्जेक्टिव अभी तक पढ़ा कि बायसनेस का रीजन हो सकता है कि मेरा अपना इंटरेस्ट किस वजह से है, किस तरफ है, मेरी अपनी ओपिनियन, मेरी अपनी बिलीफ, मेरी अपनी थॉट इनपुट्स या मेरे गाइड के इनपुट्स इस तरफ के हैं तो मुझे रिजल्ट को इसी डायरेक्शन के अंदर लेके जाना. बट नाउ विच आई एम कमिंग आफ्टर से हाफ एन आवर ऑफ माई लेक्चर, आई एम गोइंग टू हाईलाइट अनदर की इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज द कंफ्लिक्ट अराइजिंग फ्रॉम फाइनेंशियल गेन्स. कि मुझे उससे पर्सनली या पैसों के फॉर्मेट में या गिफ्ट्स के एवज में मुझे क्या बेनिफिट मिलता है, उससे मैं अपनी रिसर्च को बायस कर देता हूं, झुका देता हूं किसी की फेवर में. सो आउटकम ऑफ द रिसर्च बिकम्स रॉन्ग, द डिसीजन मेकिंग पार्ट बिकम्स करप्ट, करप्शन आ गया बीच में. नाउ इसी का एक एग्जांपल है ग्रांटिंग एजेंसीज. जो एजेंसीज आपको फंड्स ग्रांट करती हैं, से यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो ग्रांटिंग एजेंसीज हैं वो इंस्टीट्यूशन से एश्योरेंस मांगती हैं कि जितने भी लोग इस रिसर्च के अंदर इस्तेमाल करेंगे, इस रिसर्च के अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं वो इस पैसा को, जो पैसा आपको यूजीसी ने दिया है या जो भी आपकी फंडिंग एजेंसी ने, आईसीएसआर ने आपको दिया है, ये जो फंड्स हैं ये आपके पास फाइनेंशियल गेन्स, अपने फाइनेंशियल गेन्स या अपने परिवार के बेनिफिट के लिए उस पैसे का इस्तेमाल नहीं करेंगे. सो दिस इंस्टीट्यूशंस का, जो ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, ये आपसे एक लेटर साइन करवाते हैं जिसको लिखा जाता है, आपको एंडोर्समेंट देना है दैट यस यू आर नॉट गोइंग टू यूज दिस अमाउंट फॉर पर्सनल गेन्स. ये पर्सनल गेन्स कैसे कैसे हो सकते हैं इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे. नाउ देयर हैज टू बी रिटन पॉलिसी कि इसके अंदर मैनेजमेंट के अंदर कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है. जो न्यूट्रल रिसर्च है, ऑब्जेक्टिव रिसर्च है, वो यहां पर फॉलो करी गई है. किसी भी मेंबर का किसी भी आउटकम या एजेंसी के साथ कोई पर्सनल रिलेशन या रिश्तेदारी या एसोसिएशन नहीं है. कोई भी हमारा एम्प्लॉई हमारे से काम करने के बाद या हमारा रिसर्चर जो है हमारे से 9 to 5 वर्क करने के बाद एक्स्ट्रा वर्क आवर्स इन लोगों के साथ अलॉट नहीं करता है. कोई भी हमारा एम्प्लॉई यहां से रिटायरमेंट होने के बाद दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर जाकर काम करने की टेंडेंसीज नहीं रखता है. सो दिस इज ऑल व्हाट इज पर्टेनिंग टू एंडोर्समेंट्स, सेवरल एंडोर्समेंट्स विच रिक्वायर्स टू बी रिटन इन दिस डॉक्यूमेंट लेटर. आने वाले टाइम में अभी मैं आपको एक रेफरल डॉक्यूमेंट में
डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो हमारे पास कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो गाइडलाइंस दी गई हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे, विच इज बीन अप्रूव्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसको भी हम 5 मिनट इसके ऊपर लगाकर टेक्निकल फॉर्म के अंदर हम समझ पाएंगे कि ये कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रिसर्च के अंदर या इस तरह की ग्रांटिंग एजेंसी से जहां पर हमको प्रोजेक्ट्स मिले होते हैं, इनके अंदर हम कैसे अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं, कैसे हम एक चेक एंड बैलेंस स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि हमारे रिसर्च में हमारे जो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं या उनके डिप्लॉयड की हुई एजेंसीज हैं, वो कहीं पर इस तरह की गैप्स, रिसर्च गैप्स को एक्सपोज करके ना चले। कहीं पर भी कोई फैकल्टी हो या कोई स्टाफ हो, वो इस तरह के मैटर्स जहां पर भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, जहां पर्सनल फाइनेंशियल गेम्स अराइज हो सकते हैं, उनको क्लोज करने का टेंडेंसी इस रिटन एंडोर्समेंट के अंदर रहता है। ओके, कमिंग नेक्स्ट। नाउ अगर हमने अभी एक डॉक्टर्स प्रोफेशन के अंदर कोविड के अंदर हमने समझने की कोशिश करी कि कैसे हिट एंड ट्रायल मेथड के साथ एम्बिगियस सर्कमस्टांसिस में, कोविड सर्कमस्टांसिस के अंदर इलाज करना कितना एथिकल था या कितना अनएथिकल था, हम लॉयर एक्सपेक्ट एंगल से भी देखने की कोशिश करते हैं कि कहां पर क्लाइंट के साथ ऐसा एसोसिएशन, कहीं एक जो क्लाइंट है वो विश्वास करके अपने लॉयर के साथ अपनी फैक्ट्स डिस्क्लोज करता है इन एंटिसिपेशन कि कल जब कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट करा जाएगा क्लाइंट का केस, तो लॉयर विल एंश्योर 100% कॉन्फिडेंशियलिटी एंड 100% डेडिकेशन टुवर्ड्स अ क्लाइंट कि वो क्लाइंट की बात को सही परिप्रेक्ष्य में जज के सामने रखेगा। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्ररी, लेकिन अगर आपका जो एडवोकेट है या जो आपका जो लॉयर है, अगर वो किसी तरह की एसोसिएशन में आ जाता है ओपोनेंट के लॉयर के साथ, मे बी बिकॉज ऑफ मनी, मे बी बिकॉज ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मे बी बिकॉज ऑफ एनी स्टेटमेंट विच यू हैव गिवन टू हिम विच ही फाउंड्स पर्सनली हिटिंग, नाउ एंड ही गोज एंड हैज एन एग्रीमेंट, दो लॉयर्स बैक एंड के ऊपर आपस में समझ जाते हैं कि आप केस जीत जाना और अब मैं केस हार जाऊंगा, इज इट करेक्ट? नो, दिस इज नॉट करेक्ट, बिकॉज एक फेथ था जो आपके पूरे क्लाइंट का कि मेरे केस को सही वे में, प्रस्पेक्टिव में मेरे लॉयर कोर्ट में फाइट करेंगे, द वेरी पर्पस इज डिफीटेड बिकॉज ऑफ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। द लॉयर चूज टू मेंटेन द रिलेशनशिप विद द ओपोनेंट्स क्लाइंट, वन, और फॉर फाइनेंशियल गेन्स, टू, और टू कीप एन एसोसिएशन ऑफ सम अदर फिड्यूशियरी एडवांटेजेस विच ही वॉन्ट्स टू जनरेट आउट ऑफ एसोसिएशन विद द ओपोनेंट्स क्लाइंट। वो अपना क्लाइंट का केस हार जाता है और अपने ओपोनेंट को बिकॉज ऑफ सर्टेन वेस्टेड इंटरेस्ट, अपने कुछ फाइनेंशियल गेन्स को या अपने पर्सनल गेन्स को पूरा करने के लिए एक केस का हार जाना, ये एक कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है फ्रॉम द लॉयर्स परस्पेक्टिव। क्लाइंट की क्या गलती है कि उसने एक वकील के सामने अपना केस फाइट करने के लिए उसको हायर किया, डिस्पाइट हैविंग मनी, डिस्पाइट हैविंग फेथ, दिस वॉज अनप्रिंसिपल्ड ऑन द पार्ट ऑफ द लॉयर टू टेक एसोसिएशन फ्रॉम ओपोनेंट्स लॉयर एंड गेट द केस डिफीटेड। नाउ दिस फर्दर गेट्स इनटू अनदर इंटरेस्टिंग लाइन, द हॉट पोटैटो डॉक्ट्राइन। क्लाइंट का अपने लॉयर के साथ कोई कंफ्लिक्ट नहीं है और वो रिप्रेजेंटेशन वहां पर कर रहा है, लेकिन लॉयर बगैर बताए अपना केस विड्रॉ कर देता है और जो दूसरा जो क्लाइंट है उसको एडवांटेज मिल जाता है। दिस इज व्हाट इज नोन एज ड्रॉपिंग लाइक ए हॉट पोटैटो, जैसे हम गर्म आलू को हाथ में आने के बाद उसको एकदम छोड़ देते हैं, इसी तरह एक लॉयर अगर एक क्लाइंट को बीच में ऐसे टपक टपका देता है, दिस इज व्हाट इज नोन एज हॉट पोटैटो डॉक्ट्राइन एंड दिस इज व्हाट इज एथिकली मिसकंडक्टेड
बाय द लॉयर। लॉयर का ये करना बहुत गलत है, इसको बोला गया है हॉट पोटैटो डॉक्ट्राइन। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर डिस्कशन बिफोर वी गेट इनटू द डीएसटी डॉक्ट्राइन, फाइनेंशियल इंटरेस्ट कहां कहां से हमारे पास आ सकते हैं। बहुत तरीके से फाइनेंशियल इंटरेस्ट गेन करे जा सकते हैं। आई विल टेल यू ए वेरी स्मॉल स्टोरी, पुराने टाइम की एक स्टोरी थी जिसमें एक राजा का एक करप्ट मंत्री था। वो मंत्री को जहां पर भी लगाया गया, उसको मार्केटिंग बोर्ड में लगाया गया या उसको टैक्सेस में लगाया गया या कहीं पर उसको एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में लगाया गया, हर जगह वो करप्शन के ब्राइब लेने के रास्ते ढूंढ ही लेता था। तो राजा परेशान हुए और उन्होंने उसको समुद्र में लहरें गिनने के लिए ड्यूटी पे लगा दिया गया। लहरें गिनने के लिए लगा दिया गया उसको समुद्र में। नाउ बिकॉज ऑफ दैट अब उसको जंगल में, या जंगल बोले तो उस बाउंड्री के ऊपर कहीं पर भी कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला जहां पर वो कोई करप्ट एक्टिविटी स्टार्ट कर सके। तो बाय चांस उसने देखा कि लहरें आती हैं और लहरें जो हैं शिप्स निकलते हैं, तो जो शिप्स निकलते थे उसने उसी शिप वाले को बुला लिया। तो दरअसल मेरे को राजा जी ने ड्यूटी दिया हुआ है कि यहां पर बैठ के लहरें गिनो, और आपने क्योंकि शिप निकाला है यहां से और आपकी वजह से लहरों की काउंटिंग मेरी खराब हो गई है, सो यू विल बी फाइनेंशियली पिनलाइज्ड एंड यू आर अरेस्टेड एंड बी टेकन एंड प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ अ कोर्ट ऑफ लॉ, यानी राजा की अदालत में आपको पेश किया जाएगा। तो ऐसे हालातों में क्या हुआ, वो जो शिप वाला था वो डर गया। उसने बोला ठीक है सर, जो आपको पैसा लेना है ले लीजिए, लेकिन मुझे आप राजा जी के सामने पेश मत कीजिए और मुझे जाने दीजिए। सो कहने का मतलब ये है कि आइसोलेशन में भी अगर आप किसी इंसान को रखते हैं तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट आर ए काइंड ऑफ थिंग विच ए पर्सन इज एबल टू जनरेट अनएथिकली इन एनी गिवन सर्कमस्टांसेस। सो कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं जो रिसर्च के अंदर हमारे सामने आते हैं। कंपनसेशन फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, यानी अगर आप एक जगह काम करते हैं और आप एक जगह काम करते करते किसी दूसरी इंस्टीट्यूशन से भी पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, दैट इज व्हाट इज नोन एज फाइनेंशियल इंटरेस्ट विच मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेबल टू योर एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं कहीं किसी यूनिवर्सिटी में काम करता हूं, से एमडी यूनिवर्सिटी में काम करता हूं, और शाम को मैं यूजीसी के लिए 2 घंटा क्लासेस लेता हूं, सो दिस इज कंपनसेशन गेन्ड फ्रॉम अनदर एम्प्लॉयमेंट बिसाइड्स एमडीयू। सो दिस इज व्हाट इज कंसिडर्ड एज अनएथिकल। सो दिस इज टिपिकली आई हैव सीन फ्यू सीनियर एकेडमिक कलीग्स ऑफ माइंड हु आर इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ कंपनसेटरी एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम वेरियस अदर इंस्टीट्यूशंस बिसाइड, जहां पर वो पेरेंट फॉर्म में एक यूनिवर्सिटी के साथ अटैच होते हुए बाकी यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर भी काम करते हैं। कुछ इसी तरह का फाइनेंशियल इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट किया जाता है इन फॉर्म ऑफ पेड कंसल्टेंसी, एडवाइजरी बोर्ड सर्विस एटसेट्रा, यानी मैं अकेडमिक्स में होते हुए भी किसी दूसरी कंपनी में जाकर या किसी और यूनिवर्सिटी में जाकर उनके किसी एडवाइजरी बोर्ड से एकेडमिक काउंसिल एडविस्ट के साथ के अंदर आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोर्ड इन मेंबर्स का, इन सोसाइटीज का भी मैं अगर उनका वहां पर मेंबर्स बन जाता हूं, सो विदाउट इन्फॉर्मिंग माय पेरेंट एम्प्लॉयर, इस तरह की कंसल्टेंसीज की वजह से फाइनेंशियल रिम्यूनरेशन जनरेट करना, यानी यहां से जो भी मेरे पास पैसा आता है उसको मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को ना बताते हुए अपने पास रखता हूं, दिस इज व्हाट इज नोन एज गेनिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट एंड इज अ फॉर्म ऑफ इमोरल एक्टिविटी एक्चुअली। दिस मे बी एक्सेप्टेड कि सभी करते हैं तो सर मैं भी गलत नहीं हूं, सो यू मे कंसोल यूर सेल्फ, बट एथिक्स से कि जो आपका पेरेंट एम्प्लॉयर है उसको बताते हुए
उसकी परमिशन सीक करते हुए अगर आप कहीं और किसी सर्विसेज को देते हैं वो जायज है, उसको नहीं बताते हैं तो वो नाजायज है। बट इसमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। जैसे मैंने हाथी वाली बात करी थी तो पैरों को पिलर और पेट को छत बताना गलत नहीं था, तो वैसे ही यहाँ पर कई रिसर्चर्स का, कई सीनियर एकेडमिशियंस का ये बिलीफ है कि सर यूनिवर्सिटी के लिए तो हम 9 to 5 काम करते हैं, 5 onwards till next day 9 AM का जो टाइम है वो हमारा अपना टाइम है, वी कैन यूज इट एट आर डिस्क्रिशन, वो हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी जो ऑब्लिगेशन है यूनिवर्सिटी की तरफ वो 9 to 5 है या जो भी आपके वर्किंग आवर्स है, तो 9 to 5 वर्किंग आवर्स में है। इसके अलावा की जो हमारी एसोसिएशन है दैट इज नॉट जस्टिफाइड। सो ये फाइनेंशियल इंटरेस्ट का पार्ट आया। किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के, यानी ये हमारे एकेडमिक लाइन में नहीं है लेकिन किसी इंस्टीट्यूशन का रिसर्च कैरी करते हुए दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के शेयर्स या ऑप्शंस या उनके स्टॉक्स खरीदना, उनकी तरफ एलिमेंट ऑफ बायस है कि यस अगर मैं कोई डिसीजन इस कंपनी के खिलाफ लूंगा, अगर मैं दूसरे दूसरी इंस्टीट्यूशन का से HDFC के मैं शेयर्स खरीद लेता हूँ व्हाइल आई एम वर्किंग फॉर ICICI या फिर एक्सिस बैंक में रहते हुए मैं IDBI के शेयर्स खरीद लेता हूँ, सो दिस ऑल विल बी ट्रीटेड एज फाइनेंशियल इंटरेस्ट एंड इज नॉट जस्टिफाइड। नेक्स्ट लेवल के ऊपर अगर मैं बात करता हूँ वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। दिस इज अगेन एन कंप्लीट टॉपिक ऑन विच another 1 hour or 1.5 hours can be spent in making you understand how IPR becomes a matter of financial interest. लेकिन हम उसको छोटे टाइम के अंदर एक या दो स्टेटमेंट्स में अगर हम उसको समराइज करते हैं, तो अगर मेरे पास कोई पेटेंट्स हैं जो मैंने एक यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हुए अपना यूनिवर्सिटी का टाइम डिवोट करते हुए अगर मैंने कोई पेटेंट्स लिए हैं, वो यूनिवर्सिटी का पेटेंट के साथ मेरा नाम होना चाहिए rather than individual patent, because that patent has been procured by me while I was working for the university. लेकिन यहाँ पर individual tendencies रहती हैं लोगों की, जहाँ पर researchers कहते हैं sir rather than my institution why not it is my name first. So IPRs में patents for the research work, unique research work, new product, new services, new methodologies, new way of manufacturing, new protocols, all this is new models actually, they all becomes patents. Copyrights is something which you have created, a research work which you have created, and this copyright you don't want others to replicate or copy it or use it, so you require to protect it by using your PIT IPR mechanism, which typically see is been marked on your work. Just a second sir, let Okay. Now, next level becomes IPRs. We have understood copyrights, trademarks, licensing agreements, royalty arrangements, all these are IPRs and should be disclosed to your parent employer. Next level becomes paid expert testimony, that yes, I am a paid expert, and this testimonial that yes, I am a verified subject expert, I have these credentials in my background, and because of this I consider myself deemed fit for a testimonial as an paid expert. Yani jo maine services baki jagah ke upar di hui hain, यहां पर मैं अपने आप को पोर्ट्रे करता हूं, प्रोजेक्ट करता हूं एज एन एक्सपर्ट, एंड इसके एवज में मुझे जो पैसा मिलता है दैट अगेन बिकम्स फाइनेंशियल इंटरेस्ट। अगर मैं कहीं पर ऑनरेरियम लेता हूं, कहीं मुझे इंस्टीट्यूशंस में गेस्ट स्पीकर्स में आकर मुझे अपने आप को पोर्ट्रे करना है, सो जो ऑनरेरियम मुझे मिलता है दैट बिकम्स अनदर फाइनेंशियल इंटरेस्ट। स्पीकर्स की जो फी होती है फिक्स्ड अमाउंट है,
If that has been given to you, that again becomes a matter of financial interest. Last not the least, the gifts. आपको पैसा नहीं मिला लेकिन आपको जाते हुए गाड़ी के अंदर कुछ गिफ्ट्स रख दिए गए विच आर ऑफ सिग्निफिकेंट वैल्यू. सो देर इज ए कंप्लीट फ्रेमवर्क विच हैज बीन डिफाइंड कि किस डेजिग्नेशन के ऊपर टोटलिंग वैल्यू कितनी और इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ गिफ्ट कितनी. इससे ज्यादा अगर आपको एक गिफ्ट मिलता है सो दैट इज कंसिडर्ड एज एन एथिकल अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स एंड इसके अंदर रिसर्च को नहीं डाला जाता. Now, I come to the core point of my topic, which becomes the Department of Science and Technology, the policy of conflict of interest. Before I proceed into this, let's understand ki ye jo hamari Department of Science Technology ki jo research policy hai, jo conflict of interest ke liye jo bola gaya hai, uske andar kin kin cheezon ke upar अंडरलाइंड पॉइंट्स हैं. सो कहीं पर भी मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट, यानी पिछले स्लाइड्स में मैंने जो देखा, जो सर्कल ग्राफ के अंदर आपको चार्ट में मैंने दिखाया कि फाइनेंशियल इंटरेस्ट क्या क्या हो सकते हैं, गिफ्ट्स हैं, ग्रेचुटीज हैं, फेवर्स हैं या नेपोटिज्म है. नेपोटिज्म इज भाई भतीजावाद, कि आप मेरे बेटे को इंटर्नशिप्स लगवा सकते हैं क्या, या आप मेरे किसी जानकार को कहीं पर फिट कर सकते हैं क्या. सो दिस ऑल बिकम्स अनदर केस ऑफ नेपोटिज्म. इसके अलावा देर आर अदर एरियाज. ओके, देर आर फ्यू अदर एरियाज जहां पर हमने इंस्टीट्यूशन के अंदर देखा कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, यानी मैं आप ही के साथ आप ही की पॉलिटिकल जो आउटफिट है या जो पॉलिटिकल पार्टी है, हम और मैं आप एक ही पॉलिटिकल पार्टी को बिलीव करते हैं. सो स्टूडेंट्स के अंदर हम देखते हैं कि एबीवीपी है, एनएसयूआई है या इंसो है, ऑल दीज आर स्टूडेंट आउटफिट्स विद पॉलिटिकल एफिलिएशंस. या फिर आप किसी डायरेक्ट पार्टी या किसी एक सोशल इंस्टीट्यूशन को भी अगर आप बिलीव करते हैं कि आप इकट्ठा और मैं आप और मैं एक ही जगह काम करते हैं. So, इस तरह का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फेवरिज्म और एक दूसरे के साथ ब्राइबरी यानी पैसों को देना विल क्रिएट एन एलिमेंट ऑफ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पॉलिसी, यानी ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए. क्लियर डिफाइंड रूल्स जिसके अंदर बाहर हम किन किन एक्टिविटीज में इंडल्ज हो सकते हैं और किन में नहीं हो सकते हैं. रिलेशनशिप्स, फाइनेंशियल इंटरेस्ट कि कहां कहां से हमको फाइनेंशियल पैसा मिल सकता है, और ये सब आपके बॉस को पता हो. ये बॉस कौन है इसके बारे में भी हम डीएसटी की टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, की आउटलाइंस में पढ़ेंगे. और ये काम किस रिस्पॉन्सिबिलिटी या किस ऑब्जेक्टिव के साथ उस ऑफिशियल ने इंप्लीमेंट किया है, ये समझना जरूरी है. इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्टिव रिसर्च को स्टार्ट करके उसको कल्मिनेट करने की है. इस रिसर्च का डिजाइन, इसको कंडक्ट करने का तरीका, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स रिसर्च के, कहीं पर भी किसी में भी बायस का इंटरेस्ट नहीं हो, कहीं पर भी कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, फाइनेंशियल फेवरेटिज्म नहीं लिया गया हो, और इन्वेस्टिगेटर का पूरा काम ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जाए. दिस इज ऑफ द कोर इंटरेस्ट ऑफ एन एजेंसी ऑफ द इंस्टीट्यूशन हु इज कैरिंग फॉरवर्ड दिस रिसर्च. इस रिसर्च को जो करने कराने वाला जो काम है कि उसने ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन जो भी जिसके अंदर वो रिसर्च हो रहा है उसके अगेंस्ट एथिकल कंडक्ट होते हुए किसी भी तरीके का फाइनेंशियल लेन देन या पर्सनल गेन्स नहीं होने चाहिए, रेदर देन एनीथिंग अदर देन एकेडमिक गेन. एकेडमिक गेन्स के अलावा जो भी मैंने उनसे पैसा लिया या कोई अगर काम किया तो वो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर कैप्चर होता है एंड शुड बी डिस्करेज्ड. इनको ना हमें खुद करना चाहिए, ना ही हमें किसी दूसरे को करते हुए देखकर उसको टोकना चाहिए. सात तरीके हैं कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रिजॉल्व करने के. सात तरीके हैं कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रिजॉल्व करने के लिए. सबसे पहले नो द रिक्वायरमेंट्स,
कि हमें जो काम करना है उसके अंदर कितनी जगह के ऊपर क्या काम हमें करना है, कितने रिसर्चर्स डिप्लॉय करने हैं, whether you can do it by using your university's resources or you require to use external agencies for this purpose. अगर external agencies आ रही हैं तो वहां से उनसे कितना ज्यादा foundation exist करवाना है, कितना ज्यादा उनको रोकना है, इस चीज के लिए legal implications भी involve करी जा सकती हैं. There are two kinds of agreements which are made in this direction. पहला ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसको हम कहते हैं एक मिनट कि आप किसी को बाईपास नहीं कर सकते हैं. दैट मैंने जो आपके साथ एग्रीमेंट किया उस एग्रीमेंट के अंदर जो चीजें मैंने आपको डिस्क्लोज करी वो आप तक ही रहनी चाहिए, आप उसको किसी थर्ड पार्टी को नहीं बताएंगे. अगर पता चलता है तो इसका पूरा पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप ही के ऊपर आएगी. और दूसरी है पॉलिसी ऑफ सर्कमवेंशन, एग्रीमेंट ऑफ नॉन सर्कमवेंशन. यानी मैंने आपको बताया कि आप इस एजेंसी के साथ रिसर्च करा सकते हैं और आई विल गेट यू ए गुड एजेंसी फ्रॉम वेयर यू कैन डू ए दिस जॉब इन ए वेरी ट्रांसपेरेंट प्रोफेशनल वे. तो अगर मैं आपको किसी ऐसी रिसर्च एजेंसी के बारे में आपको गाइड करता हूं तो आप डायरेक्टली उस एजेंसी से बात करें और बीच में जो फैसिलिटेटिंग एजेंसी है उसको अगर आप बाईपास करते हैं तो दिस बिकम्स अनदर रीजन जिसके अंदर आपको नॉन सर्कमवेंशन, यानी आप मुझे बाईपास करके आगे नहीं जा सकते हैं, मैं ऐसी एग्रीमेंट भी आपसे साइन कर सकता हूं. सो ये बहुत सारे लीगल रास्ते हैं जहां पर मैं कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को ब्लॉक कर सकता हूं या उसको हैम्पर कर सकता हूं या प्रोसीजरली लीगली डिले कर सकता हूं. तो नो द रिक्वायरमेंट्स ही मुझे करना क्या क्या होगा अकॉर्डिंगली इन एथिकल कंडक्ट के ऊपर और व्हाट इज बीन ट्रीटेड एज एथिकली मिसकंडक्ट, किस चीज को हम कितना गलत मानते हैं और उसके अगेंस्ट हम क्या प्रतिक्रिया या क्या पीनल एक्शन या फाइन इम्पोज आपके ऊपर कर सकते हैं या डिसिप्लिनरी एक्शन आपके अगेंस्ट इनिशिएट कर सकते हैं. सो वी रिक्वायर टू ट्रेन द एम्प्लॉइज बाय टेलिंग देम व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, सही क्या है गलत क्या है, और अगर आप गलत करेंगे तो उस गलत का कितना आपको दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट क्या स्ट्रक्चर हमारा मैकेनिज्म पहले से इन प्लेस है. थर्ड वी हैव टू क्रिएट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रोसीजर्स की काम करना तो है लेकिन कैसे कैसे करना है, क्या सही है क्या गलत है, इस पूरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसको हम SOP कहते हैं वो कंप्लायंस के लिए हमें तैयार करना होगा. इन रेगुलेशंस को लेटर और स्पिरिट के अंदर, लेटर ऑफ स्पिरिट का मतलब भावनाओं में और कागजों में, दोनों जगह आपको अपने एम्प्लॉयज के साथ शेयर करना होगा, आपकी वेबसाइट के ऊपर डिक्लेयर होना चाहिए, कागजों के अंदर डिपार्टमेंटल हेड्स को उन अपने एम्प्लॉयज के साथ ये इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर उनके साइन करवाने चाहिए. एक कॉमन प्लेस के ऊपर इन सब सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स का डिस्प्ले होना चाहिए और कोई भी नया एम्प्लॉई अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है तो इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके अंदर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उसके अंदर उन्हीं सभी एम्प्लॉयज का एंडोर्समेंट होना चाहिए, नए एम्प्लॉयज का भी. कई जगह के ऊपर जो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट्स हैं उन्हीं के अंदर IPR से रिलेटेड या फाइनेंशियल गेन से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट शुरू हो चुका है ऐसा मेरे संज्ञान में. इन रेगुलेशंस को तोड़ने का, मॉडिफाई करने का या इनको बाईपास करने का कोई भी अगर ऐसा कॉन्सिक्वेंस होता है तो एम्प्लॉयज को पता होना चाहिए कि उनको इसके अगेंस्ट क्या दुष्परिणाम भुगतने होंगे. रिक्वेस्ट ऑफ एक्सेप्शन कि सर मेरी जानकारी के बगैर ये किसी और तरीके से गलत हो गया है, मैं करना नहीं चाहता था लेकिन ये किसी तरह एक्सीडेंटली हो गया है, सेम काइंड ऑफ मेथड्स, देयर हैज टू बी अ प्रोसेस बाय विच जो हेड हैं रिव्यूइंग कमेटी के या जो उनके रिव्यूइंग कमेटी के साथ के अंदर जो जिन्होंने जिसको इन्होंने चीफ बनाया हुआ है, जो एक्सपर्ट हैं उनके पास ही एक्सेप्शन जाए एंड लेट इट बी हिज डिस्क्रिशनरी पावर हाउ ही टेक्स द कॉल इन योर इंडिविजुअल केस. ये तो तब है जब आपने कुछ गलत किया और मैनेजमेंट की नजर में आ गया. ऐसा भी हो सकता है जहां पर लोगों के दिमाग में डाउट्स हों जिनको FAQs यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के अंदर रखा जाता,
तो अगर आप समझना चाहते हैं कि सर जो मैं काम में लगा हुआ हूं इस काम के अंदर किन चीजों का क्या एडवांटेज या किस तरह से चीजें कंस्ट्रू करी जा सकती हैं कि वो मेरे अगेंस्ट चली जाएं, ऐसी जगह के लिए मुझे अपने मैनेजमेंट के सुपीरियर जो मेरे मार्क किए गए हैं उनसे मुझे सपोर्ट लेना चाहिए, उनसे मुझे हेल्प लेनी चाहिए, उनसे मुझे पूछ लेना चाहिए कि सर इन हालातों में मुझे क्या करना चाहिए, मैंने ऐसा किया है। और मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन आपको यह है कि जितना हो सके जितना ऑर्डर्स डॉक्यूमेंट फॉर्म में हो, यानी प्रूफ के साथ हो, रिटर्न ऑफिशियल फॉर्म के अंदर हो, मेल्स में हो, आप उनका इस्तेमाल ज्यादा करें। व्हाट्सएप जैसे मेथड्स या और कुछ पर्सनल ईमेल्स वाले जो मेथड्स हैं, जबकि ये प्रूफ माने जाते हैं, लेकिन फिर भी एक ऑफिशियल मैनर के अंदर इनको एक मोड ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस एक्सेप्ट अभी नहीं किया गया है। तो कोशिश करें कि जहां पर भी ऐसी कोई हेल्प जरूरत हो आपको अपने सुपीरियर से, वो आप उनसे गाइड ले लें, उनसे डायरेक्टिव्स ले लें या डायरेक्शंस ले लें, या उनके एक्सपीरियंस से आप सीख सकते हैं, सो दैट यू डोंट गेट इनटू एनी काइंड ऑफ लार्जर प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम के बीच में आप नहीं चली जाएं। सो एज एन एम्प्लॉय एज एन रिसर्चर इन सात चीजों को आपको ध्यान रखना है कि मेरे रिसर्च वर्क में बायस नहीं आए, या जो मैं काम रिसर्च का या किसी प्रोजेक्ट के ऊपर अगर मैं लगा हुआ हूँ तो उस तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर मेरे एलिमेंट्स साफ सुथरे रहें, विदाउट एनी बायस रहें, विदाउट एनी मोड ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट रहें, वेदर एन एलिमेंट ऑफ कंफ्लिक्ट नहीं हो किसी के साथ, द पॉलिसी स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल दोनों के बीच के अंदर कहीं पर भी कोई कंफ्लिक्ट क्रिएट ना हो, ये एक रिसर्चर की, स्टूडेंट की, एकेडमिशियन की जिम्मेवारी है। और जैसे जैसे वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है ऐसी ऐसी चीजों की जरूरत और ज्यादा बढ़ती जा रही है। जैसे मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर बताया कि हम लोग एक एग्रीमेंट, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट कर रहे हैं या नॉन सर्कमवेंशन एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, ये सब चीजें पहले नहीं होती थी लेकिन अब होने लगी हैं। एम्प्लॉयमेंट लेटर पहले सिर्फ एक पेज का हुआ करता था, आज एम्प्लॉयमेंट लेटर इन्हीं लीगल टर्म्स की वजह से 7-8 पेज के क्लॉजेस, सब क्लॉजेस के साथ बनने लग गए हैं। दिस ऑल इज डायरेक्टिंग टूवर्ड्स मेकिंग योर एम्प्लॉयज बी अवेयर ऑफ व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट इज इनकरेक्ट। सेकेंड पार्ट इज एज एन रिसर्चर यू शुड बी एबल टू ब्रेस योर सेल्फ कि आने वाले टाइम में आप अपने आप को मजबूत बना सकें कि अपॉर्चुनिटीज लीगल वे में कितनी ज्यादा बढ़ रही हैं, लोग एडवांटेजेस को कैसे पर्सनल गेन्स की तरफ मॉडिफाई कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए जो जो कदम उठाए गए हैं, ये सारे कदम यहाँ पर हमने संक्षेप के अंदर बताने की कोशिश भी करी है। सो दीज आर कंफ्लिक्ट हैंडलिंग मैकेनिज्म्स। नेक्स्ट स्लाइड विल बी लिटिल मोर इंटरेस्टिंग टू यू पीपल। अभी तक हो सकता है कि आपको कुछ बोरियत लग रही हो। सो अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, तो अगर मैं कहीं पर खुद डील कर रहा हूं और एक गवर्नमेंट ऑफिशियल क्या करता है, वो अपना इंडिविजुअल क्लाउड इस्तेमाल करता है, अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करता है ताकि उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए उसी की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, या उसने दो गलतियां करी एम्प्लॉय ने, पहले तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए एक जगह काम करते हुए दूसरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर उसने अपने आप को ओनर बनाया, तो ये गलत था। और उसके बाद उसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर भी वो अपनी गवर्नमेंट का, यानी अपनी पोजीशन का दुरुपयोग करते हुए उसी अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट भी दिलवा दिया, ये गलत। दूसरा, अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए अपने बच्चे को या भतीजे को या नेबर को, व्हाटएवर, उसको आपने एक समर जॉब के लिए रिकमेंडेशन दिया कि यार उसको अपनी कंपनी में समर इंटर्नशिप करवा दो, तो ये, या उसको जॉब भी दिलवा दो, तो ये जो तरीके हैं ये सेल्फ डीलिंग के हैं, जिस इज कंसिडर्ड अनएथिकल। Now, second will be accepting benefits. मैंने किसी से bribery ली या gift लिए या substantial nature के अंदर बड़ा gift लिया, so this all will be taken as accepting benefits. Influencing peddling, यहां पर मैंने professionally दूसरी party को benefit किया, उसको internally documents disclose कर दिए,
या एक पार्टी को, एक पार्टी का जो कोटेशन है वो दूसरी पार्टी की कोटेशन को मैंने डिस्क्लोज कर दिया. सो दिस इज इन्फ्लुएंस पैडलिंग, कि मैं पोजीशन पे हूँ, मेरे पास दोनों टेंडर्स आएंगे, दोनों की फाइनेंशियल की वैल्यूज मेरे को पता होंगी, वो वैल्यूज मैं एक दूसरे को ना बताऊं, ये मेरे ऊपर लीगली बाउंडेशन नहीं है, प्रोफेशनल बाउंडेशन है, लेकिन मैं उसको कॉम्प्रोमाइज कर देता हूँ. कंपनी की असेट्स, कंपनी की गाड़ी, कंपनी का सॉफ्टवेयर मैंने अपने इस्तेमाल में किया, अपना प्राइवेट काम करने के लिए किया. यू माइट हैव सीन दैट इन द सेम मूवी सेल्समैन ऑफ द ईयर रॉकेट सिंह, उसने अपने एम्प्लॉयर की कंपनी में काम करते करते अपना साथ के अंदर बिजनेस स्टार्ट कर दिया. सो दिस इज अनएथिकल. कंपनी के असेट्स कंपनी की ही प्रॉपर्टी है और उसका किसी तरह का फाइनेंशियल गेन एक एम्प्लॉय के द्वारा, एक रिसर्चर के द्वारा निकालना गलत है. कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, आप किसी कंपनी में काम करते हैं और उसको आपको काम करते हुए पता चलता है कि आपका जो क्लाइंट है वो रोहतक में इंडस्ट्रियल एरिया में कहीं पर जमीन देखने की कोशिश कर रहा है, तो आप क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया की एक जमीन खुद खरीद लेते हैं अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, खुद खरीद लेते हैं या अपनी वाइफ या अपने किसी फैमिली मेंबर के नाम खरीद लेते हैं, और उस जमीन को हायर रेट के ऊपर आप अपने क्लाइंट को बेच देते हैं. सो इंफॉर्मेशन आपको क्लाइंट ने प्रोवाइड करी, वो उसका ऑब्लिगेशन था डिसीजन मेकिंग के लिए, लेकिन आपने उसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को मोर फाइनेंशियल गेन्स के लिए, इसके लिए कंसल्टेटिव चार्जेस तो आपको मिल ही रहे थे, लेकिन आपने उसको ज्यादा बढ़ाने के लिए वो जमीन खरीदी अपनी वाइफ या फैमिली मेंबर के नाम, और उससे अपने क्लाइंट को बिकवा दी हायर प्राइस के ऊपर बाय यूजिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. गोइंग नेक्स्ट, आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर मूनलाइटिंग. एक एम्प्लॉई का काम करते करते मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर उसकी अपने ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में आ जाता. हाउ मेनी टाइम्स यू हैव सीन दिस, गुड नाइट मैन्युफैक्चरिंग वाली जो कंपनी थी, जॉनसन एंड जॉनसन की कंपनी थी, उसने क्या किया, अपने कॉम्पिटिशन के अंदर जाकर दूसरा ब्रांड क्रिएट कर दिया, अपनी कंपनी को छोड़ा और उसी प्रोडक्ट को दूसरे ब्रांड के साथ मार्केट में लॉन्च कर दिया इन डायरेक्ट कॉम्पिटिशन. नाउ ऑफिस में बैठकर दूसरे किसी और काम के अंदर इन्वॉल्व करना, दिस अगेन इज रॉन्ग. प्रोफेशनली एम्प्लॉयड इन द पब्लिक सर्विस बट सेलिंग प्राइवेट कंसल्टिंग सर्विसेज, अपनी कंपनी में बैठकर सरकार का दिया हुआ काम ना कर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का काम वहां पर सॉलिसिट करवाना और गवर्नमेंट से उसके बेनिफिट्स उठाना, दिस अगेन इज कंसिडर्ड अनएथिकल. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद जब आप रिटायर हो जाते हैं या बीच में जब आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसके बाद आप एक कंसल्टेटिव यूनिट स्टार्ट कर देते हैं जहां पर आप अपने क्लाइंट्स को उसी डिपार्टमेंट में काम करने का रास्ता बता देते हैं. सो ये बड़े सारे लीडिंग एग्जाम्पल्स हैं जहां से लोग कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को हाईलाइट करते हुए चीजों को खराब कर रहे हैं. नाउ इसके रिजॉल्व करने के बड़े सारे तरीके हैं. एज आई सेड कि मैं डीएसटी के डॉक्यूमेंट्स को कुछ चीजों को हाईलाइट करता हूं. नाउ इनको रिजॉल्व करना एक डॉक्यूमेंट बनाने के साथ ही पॉसिबल है, जहां पर हम एक एम्प्लॉय से लीगल एंडोर्समेंट लेते हैं और टाइम एंड अगेन उसको गाइड मेंटर करते रहते हैं कि व्हाट इज करेक्ट, व्हाट इज अनफेयरनेस, व्हाट इज इलेजिटिमेट और कहां पर आपको वेवर नहीं मिलेंगे. एथिकल कंसर्न्स के अंदर हमें देखना है कि द प्रिजर्वेशन ऑफ साउंड साइंस, यानी मैं साइंस के जो एथिक्स हैं, जो एजुकेशन के मोरालिटी हैं, एथिक्स हैं, वैल्यूज हैं, उनको मैं खराब नहीं करूं. साइंस शुड रिमेन यूनिडायरेक्शनल एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट्स, यानी इंडिविजुअल नेचर के ऊपर भी ह्यूमन बीइंग्स को, ह्यूमन रेस को मेरे किए हुए एक्सपेरिमेंट्स गलत डायरेक्शन में नहीं लेके जाएं. सो दैट बिकम्स अनदर एरिया ऑफ एथिक्स विच इज द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट्स. ओके, नाउ व्हेन आई कम टू डीएसटी, नाउ डीएसटी सेज that the entire policy of conflict of interest is to protect
द इंटीग्रिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड मिनिमाइज बायसनेस, यानी मेरा किसी एक पार्टी की तरफ को झुकाव वो नेग्लिजिबल हो या कम से कम हो, ये एक पिलर है डीएसटी की कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पॉलिसी का। इसी पॉलिसी के अंदर यह भी लिखा गया है कि हमें ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करनी है, यानी जो भी मैं काम करूं वो मैंने काम क्यों किया, किस पॉलिसी के अंतर्गत किया, अकाउंटेबिलिटी हो कि सर किसने किया मुझे नहीं पता लेकिन मैंने किया, सो एवरी प्रोसीजर हैज टू बी साइंड एंड डॉक्यूमेंटेड। एंड फंडिंग मैकेनिज्म, यानी जहां जहां से मेरे पास कितना पैसा इनकम में आया और कितना मैंने उसको एक्सपेंड किया, एवरीथिंग हैज टू प्रोवाइड एन एश्योरेंस, यानी मेरे को जिसने रिसर्च का ग्रांट दिया है उसको मैं टाइम एंड अगेन बता सकूं कि देर इज एन एश्योरेंस इन गेटिंग पब्लिक प्रोसेसेस फॉलोड, यानी मैंने जितने भी लेड डाउन प्रोसेसेस हैं उनको मैंने पूरा किया है और कितने भी जो भी मुझे अवार्ड्स मिले हैं, यानी जितना भी मुझे पैसा मिला है स्कीम्स में, ये ग्रांट्स जो हैं ये फेयर हैं, इसके अंदर मैंने बिल्कुल साफ सुथरा काम किया है एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, किसी को कम कर या किसी को नुकसान पहुंचा कर डिस्क्रिमिनेट कर उसको हटाकर मैंने किसी और को फायदा नहीं पहुंचाया है। नाउ दिस टॉक्स अबाउट फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी, साफ सुथरा, ट्रांसपेरेंट नेचर और ट्रांसपेरेंट। नाउ अनप्रिजुडाइज्ड फीलिंग, किसी के खिलाफ भेदभाव का या दुष्प्रचार कर मैंने किसी के साथ किसी को बेनिफिट नहीं दिया है, मेरी डीलिंग्स साफ रही हैं और इसके साथ के अंदर ही मैंने कहीं से कोई ब्राइब का इस्तेमाल नहीं किया है, कोई भी करप्ट प्रैक्टिस मैंने डिप्लॉय नहीं करी है। इसी करप्ट प्रैक्टिस के अंदर हमने जो बात करी फाइनेंशियल एडवांटेजेस की, अब कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की हमने डेफिनेशन पहले से पढ़ ली है और यह डीएसटी के डॉक्यूमेंट के अंदर भी लिखा हुआ है। नाउ अब इसको कवर करने के लिए इन्होंने मेंबर्स एक्सपर्ट कमेटी के कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं जिसके अंदर प्रोग्राम एडवाइजरी बनाया गया है पूरा टू लेवल ऑफ वर्किंग, मेंबर्स ऑफ एक्सपर्ट कमेटी वन एंड प्रोग्राम एडवाइजरी दैट इज टू। सो देयर इज अ ड्यूअल स्टेप मैकेनिज्म व्हिच इज बीन फॉलोड टू कर्ब द प्रैक्टिस ऑफ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। नाउ एक पॉलिसी जो है वो बता रही है इस पॉलिसी में कि हमें एक्चुअल कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को कम से कम करना है, अपेरेंट कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और पोटेंशियल कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो दिख रहा है या जो आने भावी वाले समय में जो हो सकता है कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उसको भी रिजॉल्व करना है, जो एट प्रेजेंट कंफ्लिक्ट है इसके छोड़कर आने वाले टाइम के अंदर भी जो रिसर्च के अंदर जो कंफ्लिक्ट है उसको हमें किल करना। नाउ फाइनेंशियल गेन्स नहीं होने चाहिए, किसी तरह का पर्सनल एसोसिएशन रिलेटिव्स का बीच के अंदर आना, फैमिली मेंबर्स का बीच में आना, इंस्टीट्यूशंस के पुराने कलीग्स, पुराने एम्प्लॉयर्स, कलेबरेटर्स, इन सब का बीच के अंदर या एसोसिएशन प्रोहिबिटेड है इस पॉलिसी के अंतर्गत। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैसे हो सकता है ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट कहता है कि फाइनेंशियल गेन्स, करप्ट प्रैक्टिसेस, ब्राइब, फेवर्स और अनएथिकल सपोर्ट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। कोई भी रीजन अगर ऐसा है कि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, ऐसे मैटर को रिव्यूअर कमेटी के ऊपर प्रोजेक्ट किया जाए और एंश्योर किया जाए कि फेयर एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट हो सिर्फ, और ये काम रिव्यूअर कमेटी का है। द एप्लीकेंट इज ए डायरेक्ट रिलेटिव और फैमिली मेंबर, ये प्रोहिबिटेड है, कोई भी एप्लीकेंट जो होगा इसमें वो डायरेक्ट फैमिली मेंबर नहीं हो सकता इसके अंदर जिसको ग्रांट्स दी जाती हो, या इसके अलावा वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर इन्फ्लुएंस करने वाले किसी अधिकारी का रिलेटिव भी नहीं हो सकता। ऐसा भी कोई इंसान नहीं हो सकता जिसका इंटरेस्ट स्टेक के अंदर डिसीजन मेकिंग के अंदर हो या उसको एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर ही मेंशन करा जाना जरूरी है। कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगी इस तरह के ग्रांट्स को यूनिवर्सिटीज तक या रिसर्च इंस्टीट्यूशन तक पहुंचाने के लिए, और इसका जो टाइम है वो 3 साल का रखा गया है कि पिछले 3 साल के अंदर रिसर्चर इंस्टीट्यूशन और ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन के बीच में कोई इस तरह का रिलेशनशिप पिछले 3 साल का एग्जिस्ट ना करे। कोई भी अवार्ड ग्रांट करने से पहले डीएसटी को या रिव्यूअर कमेटी मेंबर के संज्ञान में लाना जरूरी है। इसके अंदर कोई प्रोफेशनल कैरियर, यानी पुराने वक्त में मैं
शायद यूजीसी में रहा हूँ, अब मैं किसी यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ, तो इस तरह का कोई भी एसोसिएशन जो हो सकते हैं, कोई मेरा पीएचडी के मेरे जो सुपरवाइजर हैं वो हो सकता है कि वो यूजीसी या ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन में चले जाएं, या कोई मेंटर मेंटी रिलेशनशिप एग्जिस्ट किया गया हो, या कोई कलेबरेशन हमने आपस में इकट्ठा मिलकर साथ करी हो जहां पर वो प्रिंसिपल रहे हों, तो ऐसी किसी तरह की एसोसिएशन का होना गैर लाजमी है। कोई भी रिव्यू कमेटी का जो मेंबर है वो इन्वॉल्व नहीं हो सकता किसी रिसर्च प्रपोजल की प्रिपरेशन में जो एप्लीकेंट ने प्रपोज करी है। आप इसी के साथ में कोई भी जॉइंट रिसर्च पब्लिकेशन दोनों के साथ आपके प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन में, रिव्यू कमेटी में और जो ग्रांट लेना चाह रहा है, दोनों के बीच में कभी कोई ज्वाइंट रिसर्च पब्लिकेशन का स्कोप नहीं रहा हो पिछले 3 साल में। रिव्यूअर कमेटी की जो मेंबर्स हैं वो किसी तरीके से भी एथिक्स और नॉर्म्स को बाईपास नहीं करेंगे और किसी तरह के फाइनेंशियल इंटरेस्ट गेन नहीं करेंगे रिसर्च प्रपोजल से। जो रिव्यूइंग कमेटी है वो पर्सनल गेन्स को भी दरकिनार करेंगे। जो टर्म यूज करी गई है यहाँ पर रिलेटिव, वो रिलेटिव वर्ड जो है वो इन्होंने सेक्शन 6 जो है कंपनीज एक्ट 1956 का, उसकी सेम डेफिनेशन को कैप्चर किया है इन्होंने। Now, there is one important line which I am going to say, and I quote, the regulation says that the institution shall strive to avoid conflict of interest in funding mechanism to the maximum extent possible, jitna ho sakta hai usse zyada. Self-regulatory mode is recommended for stakeholders like research on issues pertaining to conflict of interest and scientific ethics. Any disclosure pertaining to the same must be voluntarily be brought to the reviewing committee and the member by the applicant. ये regulation है conflict of interest को nullify करने के लिए in principle. अब हम जितनी भी रिसर्च कंटिन्यू करते हैं, चाहे हम आज की डेट के अंदर हम किसी स्कोपस या कॉपरनिकस इंडेक्स हम जर्नल्स की बात करते हैं, उन सब के अंदर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेरेशन बनाना लाजमी हो गया। आई कैरी वन सच डॉक्यूमेंट कमिंग फ्रॉम ILSI, ये एक इंटरनेशनल लाइफ साइंसेज इंस्टीट्यूट है, और इन लोगों ने डिक्लेरेशन ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट या कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनाया है, जिन्होंने मेंशन किया है दैट इन ऑर्डर फॉर योर आर्टिकल टू बी प्रोसीडेड टू पब्लिकेशन ईच ऑथर मस्ट कंप्लीट दैट आई हैव नो रेलिवेंट इंटरेस्ट टू डिस्क्लोज, आई हैव पोटेंशियली रेलिवेंट इंटरेस्ट outlined like below. You have seen such cases, जब हम market TV के ऊपर अगर आपने कभी देखा हो तो CNBC, TV आवाज, financial institutions वाले जो stock market से related channel है, NDTV, Profit, इन सब के अंदर non-disclosure को बड़े तरीके से highlight किया गया। उन्होंने कहा है कि जितने लोग भी हम stocks हम आपको suggest कर रहे हैं उसके अंदर मेरा कोई personal इंटरवेंशन या पुराना मेरा अपना इन्वेस्टमेंट नहीं है। से क्या होगा, अगर मैंने कोई स्टॉक्स खरीदे हुए हैं किसी कंपनी के, से मैंने SCL के स्टॉक खरीदे हुए हैं और मैं टीवी के ऊपर आकर कहता हूं लोगों को कि सर SCL इज अ वेरी गुड कंपनी, परचेज द स्टॉक्स, परचेज द स्टॉक्स, नाउ सिंस आई एम एंडोर्सिंग SCL पीपल विल फॉलो मी, मे बी 5% और 10% ऑफ द पीपल विल से यस SCL इज ऑल्सो गुड कंपनी, लेट्स इसमें पैसा लगा देते हैं। लेकिन इससे क्या होगा, मैंने शेयर खरीदा 900 रुपए का, लोगों ने खरीदते हुए उसको पहुंचा दिया 960 रुपए का, मैंने 960 पे उसको बेच दिया, तो 60 रुपीज पर शेयर किसको प्रॉफिट हुआ, जो गाइड कर रहा था, जो बाकियों को रेकमेंड कर रहा था कि सर ये स्टॉक लेने चाहिए। सो दिस ऑल अमाउंट्स टू कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एथिक्स हमारे काम में बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन क्या है कि लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वॉन्ट्स के अंदर एक विशियस साइकिल है, उस विशियस साइकिल के अंदर हम उलझते चले जाते हैं। सो रेदर देन गेनिंग एकेडमिक अपग्रेडेशन एंड एनलाइटमेंट,
हम लोग फाइनेंशियल गेन्स, चीप फाइनेंशियल गेन्स के चक्कर में फंस जाते हैं, विच इज एथिकली नॉट करेक्ट फॉर ए एकेडमिक बेस्ड रिसर्चर. दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन. विद दिस आई वुड लाइक टू यू नो स्टॉप माई सेल्फ फॉर दिस लेक्चर एंड आई एम ओपन टू एनी काइंड ऑफ क्वेरीज और यू नो सब्सिक्वेंट डिस्कशंस वी कैन मेक इन दिस कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट टॉपिक ऑफ माइंड. Thank you, sir. Thank you so much. It was really enlightening, informative, and innovative talk about the research and publications. Very well explained hot potato doctrine, financial interest, important aspect, method to handle the conflict of the interest with example. Sir, it is really a very informative talk from your side. Thank you, sir. Thank you so much. Now I would like to invite Dr. Raj Rani ma'am, Assistant Professor of Law Department, BMU, to chair the second session of today's e-refresher program. Please, ma'am. Thank you, Seema ma'am, to share the session with me. Good morning to everyone. I am Dr. Raj Rani, Faculty of Law in BMU Rourkela. Extend my warm welcome to all the organizer, eminent speaker, participant, and all present here in this 14 days e-refresher program on the topic research and publication ethics. I'm really thankful to the university to provide me the opportunity to continue this session further. I feel myself blessed to be a part of such eminent institution where teaching goes beyond the classroom. We have successfully reached on our sixth day session and continuing improving our knowledge and skill related to the research. And I hope it will continue to do so in the upcoming lecture as well. According to the schedule, we have three sessions. According to the schedule, we have three sessions today. One session is already held, where speaker was Dr. Ritesh Gupta, who gave us valuable experience and knowledge on the topic of conflict of interest. In the current session, we have with us another eminent speaker. Before inviting the speaker, I want to give some biodata about her. Our speaker is Dr. Vimlej Singh. She is an associate professor in the Electronic and Communication Engineering in the Manav Rachna International Institute of Research and Study, Faridabad. Ma'am, having an experience of more than 19 years, including 1 year of industries and 18 years of teaching experience. She is a member of various technical and professional societies like ISTE, IET, and MHRD. Her major area of interest is microwave antenna, microwave integrated circuits, microwave biological solutions.